हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय डेली ब्लॉग तनुश्रीना चैनल। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं मेरी जो अलमारी है उस ड्रायर को मैं थोड़ा सही कर रही हूँ। सही कर रही हूँ इसलिए बहुत दिन से उसके अंदर जो भी मैं कपड़ा रखती हूँ सही से नहीं रख पा रही हूँ। एक के ऊपर एक अजीब तरीके से पूरा ऐसे डस्टबिन की तरह लग रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैं इस मेरे अलमारी को सुंदर से सजाती हूँ। तो मैंने पहले सारे के सारे कपड़े नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद उसके बाद एक एक करके सही कर रही थी। और अगर मम्मी ने ये भी देख लिया होता कि मैंने अलमारी में जो भी कपड़ा था सभी सही किया है, मम्मी तो और भी डांट लगाता था क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है इसलिए। लेकिन मैंने कोई ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं किया, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग किया था बहुत ही स्लो करके मैं उस टाइम समेट रही थी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तब उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया क्योंकि इतना स्लो दिखाऊंगी आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला था वीडियो। इसीलिए ऐसे भी आज वाला जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा है। तो आप लोग भी अभी देखो थोड़ा मैं कैसे सही किया अपने अलमारी को। धीरे धीरे करते करते मेरा पूरा अलमारी के जो ताक है वो सब कुछ सही कर लिया मैंने। अभी ये देखो अलमारी को सही करने के बाद मैं चली आई बर्तन मांजने। बहुत ज़्यादा बर्तन था, बर्तन भी मांजना मुझे मना था फिर भी मैंने मांज लिया। पता है एक दिन ऐसा भी था कि मैं बहुत ज़्यादा मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा होती थी। पास्ट की कोई बात था वो, उस बारे में मैं कभी और आप लोगों को शेयर करूँगी। लेकिन आज के टाइम में मेरे हाथ में इतना सडनली दर्द होना शुरू हुआ 2 हफ्ते पहले से। तो जब 2 दिन सडनली दर्द हुआ तो उस टाइम मैंने डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया कि किसी भी तरीके की काम नहीं करने के लिए मेरे राइट हैंड से। लेकिन कौन इंसान उतना लेफ्ट हैंड से काम ही करेगा, एक हाथ से क्या काम करेगा। तो मेरी मम्मी ने पूरा मुझे बोल दिया तू लेटा रहना, तुझे कोई भी काम नहीं करना है। इवन मुझे खाना भी मम्मी ने खिलाता था क्योंकि मैं हाथ को ना बेंड नहीं कर पाती थी। इसलिए मम्मी को दुकान में भी जाना होता था, फिर दुकान से आके शाम की पूजा भी देना होता था तब भी मम्मी मुझे ही खिला के देती थी। जब मम्मी आएगा तो देखना मम्मी मुझे कितना डांटता है क्योंकि मैंने बर्तन मांजा। और इसलिए डांटेगा क्योंकि मेरे इस हाथ में थोड़ा दर्द है और डॉक्टर ने सख्त मना किया है मुझे कि किसी भी तरह की भारी काम या फिर बर्तन मांजना, कपड़ा निचोड़ना, ये सब कुछ मना है। इसलिए मेरा हाथ भी मतलब हिलाना भी मना था। लेकिन अभी कुछ दिन से थोड़ा सही है और मम्मी ऑल टाइम सारा काम करता रहता है इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा काम करके उनका हेल्प कर दूँ। सो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मेरे मम्मी मुझे डांटता है, देख लेना। কোটা বাসন আমি মেজে দিই। মম্মি আতে আতে শাম হয়ে গিয়া থা উসকে বাদ মানে শাম কি চায় বানাই। শাম কি চায় হম লোক পিতে 7 या 7:30 বাজে। তো তিনো ইনসান কে লিয়ে মম্মি পাপা আর মেরে লিয়ে বানাযা থা। আর আজ দুধ জাদা ডাল গিয়া জিস বজে সে চায় ভি জাদা হো গিয়া। लेकिन मुझे चाय उतना अभी पीने की इच्छा ही नहीं होता है तो इसलिए बहुत कम मेरे लिए लिया था, मम्मी पापा के लिए ज़्यादा लिया था। फिर मैं काप लेके चाय सारे काप के अंदर डाल के अभी मैं लेके गई मम्मी पापा के पास।
चाय भी बनाने के लिए मम्मी मना कर रहा था, लेकिन मैंने बोला आपका तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, आप लेट ही रहो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ, कितना ही टाइम लगेगा, मैं राइट हैंड से उतना काम नहीं करूँगी। तो उसके बाद मैं मम्मी ने बोला ठीक है लेके आ। हे गाइस, और आपका खाना हो गया तो अभी मैं सोने आई हूँ। तो कल मीट हो रहा है फिर से न्यू ब्लॉग। बाय, गुड नाइट।